नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी एक आवाज जा रही होगी, वो स्टूडियो की आवाज है। ऑलरेडी जो पेड क्लासेज हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी आवाज को सुने, और एडिटिंग में ये आवाज जो है बैकग्राउंड वाली मैं कम कर दूंगा। तो मुद्दा ये है, सुबह में एक वीडियो गया था, सीयूटी पीजी 2023 का एग्जाम सिटी जो है वो पब्लिश हो गया था, और बहुत सारे बच्चे जो है वो मॉर्निंग में ही अपना एग्जाम सिटी चेक किए और ओपन भी हो गया। आफ्टरनून के बाद ऐसा देखा गया कि कुछ बच्चों के ओपन नहीं हो रहे थे, और शाम तक ये तक पता चल गया बहुत सारे बच्चों का जो है वो एग्जाम सिटी ओपन ही नहीं हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आने लगे, तो अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोग पैनिक ना हो और पूरी सिचुएशन को समझें। मैं आपको पहले भी बताया था कि एनटीए जो है वो एक्स्ट्रा लोड लेके चलता है। मैं आपको बता दूं, एनटीए जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट की ही बॉडी है, वो ऑपरेट गवर्नमेंट के ही पैसे से होती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे हैं, अबाउट एनटीए 17 प्लस एग्जाम्स कराता है पूरे साल में, जिसमें टॉप 4 बड़े एग्जाम भी कराता है, नीट कराता है, यूजीसी नेट कराता है, सीयूटी कराता है, मेंस भी कराता है, जेई का एडवांस नहीं मेंस भी कराता है। मतलब अगर आप बस ये चार टॉप 5 अगर चेक करो या टॉप 4 चेक करो, तो लगभग 40-45 लाख बच्चों का एग्जाम जो है वो बस कौन कराता है, ये एनटीए कराता है। जबकि होना ये चाहिए था कि एनटीए जैसा हमारे गवर्नमेंट के पास 4-5 कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है कि इनके पास व्यवस्थाएं होने के बाद भी ये और क्यों नहीं बॉडी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार खुशी परिवार, आप अगर एक ही बॉडी को इतना ओवरलोड दोगे तो फिर वो, अभी देखो आंसर की में गलतियां आएंगी, रिजल्ट में भी गलतियां देखने को मिलती हैं, सेंटर पे भी गलतियां देखने को मिलती हैं, हर साल हर एग्जाम में ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं वीडियो या शॉर्ट वीडियोज में कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा ये बिगड़ गया, मेरा ये गड़बड़ हो गया। और अभी ये लोग अपने नोटिस में भी मेंशन कर रहे हैं, जैसे अभी यूजी में 2 दिन का एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन किया है, कैंसिल कर दिया। अब कल का नोटिस टाइम से नहीं आया, आज उन्होंने नोटिस जारी किया, नोटिस जारी भी कर दिया, तो अब उनका वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो कैप्चा कोड मैच नहीं कर रहे, बच्चे ओपन नहीं कर पा रहे। यूजी वालों का भी आज एडमिट कार्ड 4th फेज का आना था, वो भी नहीं पब्लिश कर पाए, उसमें भी यही डिले हो रहा है। 31st को ही आना था, आज एक दिन लेट हो गया, अभी तक पता नहीं चल पाया। तो मैं आपको अब अपने बिहाफ जो सजेशन देना चाहूंगा कि देखो, इनका हर साल का यही रहता है, आप लोग भाई अपडेटेड रहो। अब जब हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री या यूजीसी इस बारे में नहीं विचार कर रही है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। आप अपडेटेड रहो, कोशिश करो कि थोड़ा सा मैनेज कर लो, और 24 आवर्स में इसको फिर से चेक करना, और 24 आवर्स के अंदर भी आप आवर एंड आवर चेक करते रहो, वो थोड़े समय में अपडेट होगा। वो डेटा देखो वो लोग डालते रहते हैं, और इतनी ज्यादा बोला ना कि वेबसाइट की लिमिट होती है, इतना ट्रैफिकिंग हो जाता है, तो भाई जाहिर सा है कि वो क्रैश करेगा या फिर वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। कभी कभी डेटा मिसमैच हो जाता है, डेटा गया नहीं है और आप ओपन कर रहे हो, सकता है कि अंडर द प्रोसेस हो, ये तमाम चीजें जो है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आप लोग इंतजार करते रहना, और एक सोल्यूशन में और बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करो ना कि हर कोई ट्विटर जरूर चलाए। बेसिकली देखो क्या है ना, जब आंसर की गलत होता है, जब रिजल्ट में डिले होता है, तो ये ट्विटर कंपेनिंग के थ्रू हम लोग मदद भी उनसे लेते हैं, और उसमें हेल्प सच में मिलता है। ट्विटर एक एजुकेशनल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है जिसके थ्रू आप किसी भी मुद्दे को लोगों तक पहुंचा सकते हो, सही अथॉरिटी तक, जो कि सच में इसमें एक्शन ले सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ट्विटर इंस्टॉल कर लो। आपका अगर कोई पर्सनल लेवल पे इश्यूज आ रहे हैं, एडमिट कार्ड में कुछ चेंज कराना है, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो आप उन्हें ट्विटर पे टैग करो, और उनके मेल पे आप उन्हें टैग करो, जिससे कि वो आपको, जो उनकी टीम है एनटीए वाला, वो आपको कॉन्टेक्ट करे और आपका सोल्यूशन निकाल के दे। बच्चे मुझे कुछ पूछ रहे थे कि सर वो कौन सा तरीका है जिससे हम उनसे कन्वर्सेशन कर सके, बाकी उनका टोल फ्री नंबर पे आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो आप बेसिकली अपडेटेड रहो, और आप सीयूटी पाठशाला देख रहे हो तो आप इसको देखते रहो, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे अपडेट होता है मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करूंगा। मुस्कुराते रहें और हर एक वीडियो देखते रहें, और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये एक्सपीरियंस बेसिस मैंने आप तक बात पहुंचाई है, जो मैंने कई सालों से देखी है एनटीए की कमियों को, तो बेसिकली ये ग्लिचेज हैं, कुछ देर में सॉर्ट आउट हो जाएगा, पैनिक ना होइए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सही।